तो मर्दान ने किया, सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी कहन जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना करना, अखी मिटो जा अखी मिट के खोलिया, नानक जी का अखी खोल बंद करो फिर का खोलो, ता समुंदर ते कंडे जाई खड़े हुए, यानी समुंदर के किनारे खड़े हो गए, समुंदर दे कंडे खड़े हुए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते अग्गे अग्गे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावन, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, स्पष्ट लिखा ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये है वो दो अक्षर का मंत्र है, जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण, जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कीहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना वचना पर चलना चाहिए, तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लग्या है। अपुण आत्माओं कौन सी कसर रहेगी, अब ये समझण में कि कौन सा मंत्र मोक्षदायक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि गुरु नानक जी सतनाम का स्वयं जाप करते थे और शिष्यों को बना करते थे, ये कारण क्या है। कबीर परमेश्वर जी ने वो कबीर जो बंदी छोड़ कबीर जी परमेश्वर जी ये वो सचिदानंद घन ब्रह्म हैं जिसके विषय में वेद भी गवाही देते हैं, आंखों देखे संत भी उसके साक्षी हैं, और वो परमात्मा ने आकर कलियुग के प्रथम चरण में धर्मदास नामक एक पुण्य आत्मा को मिले थे और उसी समय में गुरु नानक जी को भी मिले थे, तो उन्होंने धर्मदास जी को जब ज्ञान दिया उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर लिया, तो कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई ये सार नाम कितबार ना जाई, और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और फिर इस मूल ज्ञान के बारे में बताया कि धर्मदास तो लाख दुहाई ये मूल ज्ञान जो ज्ञान दास आपको आज प्रकाश में ला रहा है प्रकट कर रहा है ये पहले से लिपिबद्ध है कबीर सागर में, लेकिन ना कबीर पंथी समझ सके क्योंकि परमात्मा के आदेश बिना जीव की बुद्धि काम नहीं कर सकती। इब आदेश था पिछली पीढ़ी में इसको प्रकट करने का, इस मंत्र को भी इस यथार्थ ज्ञान को भी, तो पहले कैसे हो सकता था। तो परमेश्वर कबीर जी जिस भी पुण्यात्मा को ये मंत्र देते थे कुछ एक को दिया अन्य को नहीं दिया, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 और मंडल 9 सूक्त 82-1-2-3 मंत्र में और मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में और भी बहुत से मंत्रों में वेद में कहा है कि वो परमात्मा सतलोक से बहुत तीव्रगामी चलने वाले गति से तीव्रगामी होकर अपनी प्यारी आत्मा श्रेष्ठ पुरुष को मिलता है, अच्छे भगत को मिलता है, और उसको फिर अपने यथार्थ भक्ति विधि और ज्ञान से
परिचित कराता है। तो उन्हीं में से ये महापुरुष हैं जो परमात्मा सतलोक से चल कर आए थे, जिनको मिले थे, संत गरीबदास जी को, संत नानक जी को और संत धर्मदास जी को, मुलुकदास जी को, संत दादू साहब जी को, संत गीसा दास जी को, इन सब को वो मिले थे और इनको यही मंत्र दिए थे। लेकिन इनको आगे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि तुम इस मंत्र को किसी को नहीं देना, ना बताना, और तुम स्वयं इसका मंत्र का जाप करके अपना कल्याण करा लेना। इस मूल ज्ञान को इस बिचली पीढ़ी, अब बिचली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी थी 600 वर्ष पहले और ये बिचली पीढ़ी है, अब ये हजारों वर्षों तक ये यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति रहेगी, इसमें कोई मिश्रण नहीं हो पाओगा। लास्ट में फिर भक्ति योग प्राणी कलयुग में नहीं रहेंगे, जो इस समय में भी पार नहीं हो सके वो बहुत निकम्मी आत्मा होंगी, फिर उनको भक्ति की आवश्यकता ही नहीं समझते भगवान। तो इसलिए लास्ट की जो कलयुग की पीढ़ी होगी, अंतिम पीढ़ी, वो व्यर्थ होगी। ये बिचली पीढ़ी करीम है, और अब जिनका मनुष्य जीवन है वो बहुत पुण्यात्मा है, और मनुष्य जीवन में भी जिनको ये भक्ति मिल गई यथार्थ, उनका तो कहना ही क्या है। तो यहाँ नानक साहेब जी अपने शिष्यमर्दाना को कह रहे हैं कि जो नाम मैंने तुझे कहा वाहे गुरु तू इतना ही जाप करो, ये मंत्र मत जाप करना, क्योंकि परमात्मा का आदेश था कि ये बताना नहीं, तुम जाप करो अपना कल्याण करा लो। और वो इसलिए उनके माध्यम से लिखवा गए कि मैं ये जाप करता था, प्रमाण हो, जो आज हमारे लिए एक अनमोल ज्ञान हो गया और हमारे को दृढ़ता मिली। इसी प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था दो अक्षर का। धर्मदास जी की को ज्ञान देते समय कबीर सागर में लिखा है, धर्मदास ने लिपिबद्ध किया है कि ओम सोहम शब्द प्रकाशा सतनाम, ये सतनाम है। तो इस दो अक्षर से धर्मदास जी ने जाप किया, और गरीबदास साहब जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई ओहम सोहम मंत्र दोई, राम का नाम ये दो अक्षर का मंत्र है, और ये पूरे गुरु के बिना, अधिकारी के बिना इसका जाप यदि कोई करे भी का उसको कोई लाभ नहीं होगा। अब कहते नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में थे, बड़े महान आत्मा थे, पहले वो केवल ओम नाम का जाप करते थे, ओम नाम के जाप से उसमें उनमें इतनी सिद्धि आ गई थी कि उन्होंने पत्थर को दूध पिला दिया, मंदिर को भी फेर दिया, उसका मुंह भी इधर कर दिया, एक मरी हुई गाय को भी जीवित कर दिया था। तब परमात्मा उस प्यारी आत्मा को मिले थे नामदेव जी को, और नामदेव जी ने भी फिर यही प्रमाण दिया, फिर उसको सतनाम दूसरा मंत्र भी दिया, और फिर तीसरा मंत्र दे करके सार नाम देकर उनका कल्याण किया था। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, ओम तारी माने उसकी लौ लाग रही थी, ओम मंत्र से ऊपर को मंत्र नहीं मानना था, और पीछे सो हम भेद बिचारी, जो परमात्मा मिले संत रूप में उनको आकर के और उनको फिर सही यथार्थ ज्ञान दिया, ओए होए, और सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुड ना होई। अब गरीबदास साहब जी कहते सोहम ऊपर ओर है सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है नहीं बस्ती ना गांव में, ओए होए। कहते हैं सोहम के ऊपर भी और एक मंत्र है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अपुनात्माओं सतनाम में दो अक्षर हैं, और दो अक्षर की यूँ समझ लो जैसे हमने पृथ्वी नीचे जल है, पृथ्वी में जल प्राप्त करना है, उसके लिए हमने हैंड पंप लाना है, तो हैंड पंप जो लगाने के लिए प्रोसीजर है उसमें बोक्की मारी जाती है, पाइप नीचे लोअर की जाती है, और जल तक वो बोक्की और पाइप पहुंचगी। ये तो सतनाम का काम समझ लो कि उस बोक्की ने, बोकिया मारे वो यंत्र सा होता है
लोहे की पाइप सी, उसको ऐसे धरती मारते रहते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, और पाइप जो होती हैं हैंडपम्प की, उसको नीचे लोअर करते रहते हैं, नीचे को सरकाते रहते हैं पृथ्वी में, और जब वो जल तक पहुंच जाती है बोक्की और पाइप का काम वहाँ फिनिश हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, मशीन हैंड पंप बोलते हैं उसको, उस हैंड पंप को उसको लगाकर फिर उसकी फिर सिमरण उसका फिर प्रोसीजर, उसको हिलाया जाता है तब जल मिलता है। तो सतनाम से आप इसका सिमरण करने के लिए आपको दिया जाता है कि आप जितना सिमरण करोगे उतना ही निकट पहुंचोगे प्रभु के, और जब आपका जल आपकी पाइप अर्थात आपकी सतनाम की कमाई इतनी हो जाएगी कि आप पर वो सारनाम दिया जाए, आपके मशीन बांध दी जाए ताकि वो हैंड पंप से फिर जल निकल सके, तब वो सारनाम दिया जाएगा। सारनाम मशीन समझ लो ऊपर की हैंड पंप की, और यह सतनाम है बोक्की और पाइप, ये प्रोसीजर। तो ये बोक्की और पाइप आपको जल्दी ही दे दिया जाता है, 4 महीने के उपरांत सतभक्ति आप करोगे सतन पहले मंत्र की उससे, तो फिर सारनाम आपको जब दिया जाएगा, जिस जैसे कोई हैंडपम्प लाने वाला मिस्त्री है मैकेनिक, और उसमें बोकियां मार रहा है चल रहा है, और कोई घरवाला कहता भी बांध दे इसकी मशीन, लगा दे मशीन इस पर जल्दी, वो नहीं लगाएगा, वो तो उसी समय लगाएगा जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मशीन लगानी चाहिए, अब पहुंचगी ठीक ठिकाने पाइप। तो सारनाम आप कहते रहना, ये दास उसी समय आपको देगा जब आप देने योग्य हो जाओगे, तो सारनाम फिर मिलेगा तब भगवान मिलेगा, और फिर आपको परमात्मा प्राप्ति कराई जाएगी। सारनाम दिए पाछे अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए ऋषियों ने हजारों वर्षों तक गोडे रगड़े और कुछ हासिल हुआ नहीं। और यहाँ ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोसीजर है, कई तो बोली आत्मा ने कहे तुम्हारे गुरु जी तो गुणे जन्म सारनाम दे हैं, और एक ना वहाँ पर जम्मू में निको जानते सारे नाम कट्ठे दे दे, मगर ठीक ले लो उड़े टिंडे जा गए तुम जम्मू वाले पे, ईशा नदी भट्ठा बिठा रखा है सारा। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा को चाहते भी हैं, लेकिन काल फिर बुद्धि पर पत्थर गेर दे है, जब सभी सही समय आता है ना फिर हमारी वो बकवाद ले ही पड़ती ना। अपने आत्मा गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले, और गीसा दास साहिब जी ने अपने अमरबाड़ी में यही 2 अक्षर का नाम स्पष्ट किया हुआ है, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, पूरा क्लियर कर रखा है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। जब गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी आकर के मिले थे छुड़ानी में, उनको सचखंड लेकर गए थे, जैसे नानक साहिब जी को नानक देव जी को सतलोक में लेकर गए थे फिर छोड़ा था, ऐसे ही गरीब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी वाले को हरियाणा वाले को सतखंड लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा था। फिर उसके बाद जब त्यौहार त्यौहार आते थे तो गरीबदास जी की कोई रुचि यहाँ के किसी भी झूठे सुख में नहीं होती थी, तो कुछ गांव वाले आकर के कहते थे आओ महाराज होली खेलेंगे, गरीबदास जी कहा करते हम तो भाई उस राम नाम की होली खेलना है, और वो रंग राम नाम का रंग छिड़कते हैं, हम या नकली होली नहीं खेलते। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन अटके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो।
पानी पवन न संचरे रंग होरी हो, चंद सूरज नहीं जावे राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो।